हेलो गाइस, थोड़ी सी रेस्ट कर ली। अभी एक ब्लॉक की एंडिंग की हूँ और नेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत कर चुकी हूँ। अभी 12:30 बज चुके हैं। लंच की तैयारी करनी है मुझे, तो लंच में आज क्या बनेगा दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए गाइस, आज लंच में बनने जा रहा है फिश। फिश बनेगा यहाँ पे, और फिश का जो अंडा है फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा सा पानी पानी हो गया। कल ही अभी लाए थे, कल तो रात खाती नहीं हूँ, बट अभी और हार्दिक ने खा लिया था। और हमारे घर में ना ये फिश का पेट का हिस्सा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैं ये सब नहीं खा पाती हूँ बोन्स की वजह से, बट ये खा लेती हूँ। उसमें कांटे बड़े बड़े होते हैं ना, तो निकाल के खाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पे फिश फ्राई हो रही है, देख सकते हो फिश फ्राई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलू बॉईल कर दिया ग्रेवी के लिए, मतलब फिश करी के लिए। टमाटर रखे, दो दूंगी, चार नहीं दूंगी। प्याज, मिर्च, प्याज और भी चाहिए, और भी कटेगा, ये थोड़ा सा कटा हुआ था तो इसमें डाल दिया। इसके साथ बनाने के लिए प्याज और इतने सारे मिर्च, बाकी बहुत ज़्यादा ग्रेवी के लिए फिश बहुत ज़्यादा भी फ्राई होता तो है तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हाफ फ्राई ही अच्छा लगता है। तो हाफ फ्राई नहीं, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट रहे तो ग्रेवी के लिए वो भी अच्छा लगता है। चलिए उतार लेते हैं आराम से। उठ नहीं रहा है। अरे बाकी चीज के लिए मैंने यहाँ पे प्याज और खूब सारी मिर्ची डाल दी है। फिश एग किस किस को पसंद है बताइएगा, मुझे तो फिश एग बहुत ज्यादा पसंद है। प्याज भून लेते हैं, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, उसके बाद फिश एग डाल देंगे। फिश एग डाल दी हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाली हूँ, नहीं तो ऑयली ऑयली लगता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़े से ऑयल में, मतलब फिश जिस ऑयल में फ्राई की थी उसी ऑयल में मैंने फिश का एग डाल दिया है। फिश की अंडे की भुर्जी बनके रेडी हो चुकी है। कम तेल में बना है और बहुत ही बढ़िया बना है, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। तो चलिए फाइनली बन गई फिश भुर्जी, अंडा भुर्जी। फिश अंडा बनके रेडी हो गया है। अब ग्रेवी के लिए मैं फोरन डाल के प्याज और टमाटर और आलू डाल दी हूँ। लहसुन मैं थोड़ा सा देर से डालूंगी, अभी ये भुन जाए, सॉफ्ट हो जाए, उसमें पानी डाल के हल्दी नमक वगैरह डाल के फिर फिश डाल दूँगी। फिश तो फ्राई हो के रखा ही है, और ये मैं थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दे रही हूँ, उतनी टेस्टी हो रही है ना। टमाटर गल चुके हैं और आलू तो वैसे बॉईल ही था, तो इस स्टेज में अभी मैं इसमें पानी डाल के फिर फिश डाल के पकने के लिए रख दूंगी बहुत टाइम तक। देख सकते हो सब पक चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, फिश ग्रेवी में बॉईल आ चुका है, और इस स्टेज में मैं यहाँ पे डाल दूंगी फिश। अच्छे से पकता रहेगा लो फ्लेम में। तीन जन हैं, सार पीछे से डाल रही हूँ, क्या पता हबी को दो खाने का भी मन कर सकता है अगर अच्छा लगे तो। वैसे उनको फिश बहुत पसंद है, हार्दिक और मुझे उतना नहीं, बट फिश अच्छी होती है चिकन के मुकाबले, तो फिश
तो चलिए इसको लो फ्लेम में अभी उबलने देते हैं। तो गाइज आज ओनली फिश करी की रेसिपी शेयर की। बहुत सारी वीडियो मतलब शूट करके रखी थी, लेकिन मुझे लगा कि इसे फिश करी की वीडियो अपलोड करनी चाहिए ओनली, क्योंकि क्या है ना, बाकी अगर और भी डाल दूँ तो टॉपिक भी अलग हो जाता है और फिश करी भी कहीं वो नहीं आता है इतना अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे क्लिप्स हो जाते हैं ना। तो मुझे लगा ओनली फिश करी की वीडियो शेयर करनी चाहिए। और वैसे भी फिश करी का जो रेसिपी है, रेसिपी नहीं, मैं मेरा एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ना कोई मसाले ना कोई कुछ ज़्यादा, तो उसी में ही 5 से 6 मिनट लग गया। तो मैं 5 से या 8 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहती, इसीलिए सोचा कि फिश करी में भी फिनिश कर देते हैं वीडियो को। और वीडियो और भी क्लिप शूट की थी उस दिन की, बाकी वीडियो में वो सब आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या की थी क्या क्या नहीं की थी। एकदम से रात तक वीडियो बनाई थी। अभी ओनली फिश करी का वीडियो ही आप लोगों के लिए, तो कैसा लगा बताएगा। और थाली नहीं सजा पाई फिश करी के साथ, क्योंकि ना जब भी हार्दिक और अभी आ जाते हैं तो कैमरा निकालने का कुछ करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, एकदम फटाफट 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 से सब कुछ करना पड़ता है। हार्दिक जब आता है तब अभी के लिए पहले मुझे खाना निकालना होता है, पहले हार्दिक के कपड़े वगैरह चेंज करना होता है, फिर फटाफट फटाफट से अभी को पानी देना, फिर उनके लिए लंच रेडी करना, लंच मतलब उनको परोस के देना, क्योंकि उनको फटाफट लंच करके फिर ड्यूटी के लिए निकलना होता है। बहुत हरी रहता है उस टाइम, तो नहीं हो पाता है कैमरा निकालना, इसीलिए उस टाइम का वीडियो शूट मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। और अभी उसके बाद ना हार्दिक को थोड़ा रेस्ट देती हूँ 20-15 मिनट, उसके बाद उसको नहलाती हूँ धुलाती हूँ, फिर उसको लंच करवाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अगर लंच करवाने में थोड़ी सी भी लेट हो जाती हूँ ना उसको, क्योंकि लेट अगर हो जाती हूँ, बातें नहीं निकल रही है, अगर लेट हो जाती हूँ ना बाकी का उसका जो रूटीन रहता है जो क्लासेस रहता है उसमें लेट हो जाता है। और कराटे क्लासेस रहता है 4:30 बजे, हार्दिक हर दिन 3 बजे ही लंच कर पाता है, 2:30 बजे घर पहुँचता है, ऐसे थोड़ा बहुत खेलता कूदता मोबाइल देखते देखते 3 बज जाते हैं, मैं 3 बजे उसको लंच करवाती हूँ, क्योंकि आने के बाद फटाफट फटाफट से नहलाना भी अच्छा नहीं होता, गर्मी में आता है ना, और उसके बाद लंच भी कराना ठीक नहीं होता, इसलिए 1/2 आवर का उसको रेस्ट देके उसको 3 बजे लंच करवाती हूँ। और 3 बजे के बाद एक घंटे 15-20 मिनट उसको रेस्ट चाहिए, है ना, रेस्ट तो चाहिए, स्कूल में पता नहीं कहाँ दौड़ भाग क्या करता रहता है। उसके बाद मुझे उसको 4:30 बजे के करीब या 4:25 को मुझे उसको कराटे क्लासेस ले जाना होता है, इसीलिए मतलब शाम का टाइम थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। और अभी गाइस बिल्कुल भी बिजली नहीं है, मुझे पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, बाय बाय।